In this class, we will discuss a new topic, generation of steam at constant pressure. This is very, very important for your board exam. Generation of steam at constant pressure. Generation of steam का मतलब क्या हुआ? पहले से समझते हैं कि स्टीम का मुझे जरूरत क्यों है. कोई भी थर्मल पावर प्लांट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो उसमें स्टीम एक वेरी यूजफुल सब्सटेंस है. जब बॉयलर में वाटर को हम गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट तो वाटर कन्वर्टेड इनटू अ स्टीम, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. और जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी स्टीम टर्बाइन के ब्लेड पे जाके स्ट्राइक करता है, जिसके फलस्वरूप स्टीम का ब्लेड में मूवमेंट आ जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और टर्बाइन जनरेटर से लगा हुआ रहता है. देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है. तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं कि स्टीम जनरेट किस तरह से होता है. तो फर्स्टली हम लोग को पता होगा जो स्टीम होता है इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए प्योर सब्सटेंस. ठीक है, स्टीम कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट फिक्स्ड हो, होमोजीनियस हो. तो यहां पे क्या है, मैंने यहां पे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लिया है. दिस सिलेंडर और दिस इज पिस्टन. ठीक है, सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लिया हूं. तो यहां पे क्या है कि फर्स्ट में जो और सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर क्या है, वाटर है. फर्स्ट में जो वाटर है वहां पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पे W फॉर वेट. ये क्या है? वेट है, जिसको हम W से डिनोट किए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम नीचे से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीचे से हम हीटिंग कर रहे हैं इसे. नीचे से हम क्या कर दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं. ठीक है, जब हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं प्रोडक्ट, जब हीट इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ वाटर क्या होगा? हॉट होगा. ठीक है, और जो यहाँ पे पिस्टन है फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा? और फ्रीली मूवेबल है पिस्टन. और डब्लू बेट है, तो यहाँ पे जब हम हीट देंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? स्टार्टिंग में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. तो ग्राफिकली हम समझते हैं यहाँ जो टेम्परेचर है, ये जो ग्राफ किसके किसके बीच में है, ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी. ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस इंथैल्पी. इंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? हीट कंटेंट. हीट कंटेंट इज कॉल्ड इंथैल्पी. तो फर्स्ट में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो सब्सटेंस वाटर है, तो यहाँ पे हम जब इसको हीट देते हैं नीचे से, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड में क्या है, एक ऐसा समय आएगा जब धीरे धीरे जब हम हीटिंग को बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम टेम्परेचर को इस लाइन पे बढ़ा रहे हैं, देन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो वाटर क्या होगा? वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वाटर हीट होगा. तो वाटर का बॉइलिंग जो स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे, वाटर का बॉइलिंग स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं टीएस. टीएस फॉर सेचुरेशन टेम्परेचर. सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? जहां पे वाटर में बॉइलिंग आना स्टार्ट हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर. तो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या हम देख रहे हैं, जो वाटर का टेम्परेचर है टी एस है, इसका मतलब यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ठीक, इस लाइन से लेके इस लाइन तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इनक्रीज किया, लेकिन फेज में चेंज नहीं आया, वाटर है तो वाटर ही है. तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड सेंसिबल हीट. सेंसिबल हीट क्या था, हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे. सेंसिबल हीट में क्या था, कि सब्सटेंस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फेज में चेंजिंग नहीं आता है, ओनली
टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। जब हम टीएस पॉइंट पे पहुंच गए, इसका मतलब सेचुरेशन टेम्परेचर पे जब हम पहुंचे हैं, तो वाटर में क्या आ गया, बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो बॉइलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब वाटर का जो फेज होगा चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या है यहाँ से यहाँ तक, सपोज हम ले रहे हैं दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। तो ए से बी तक सेंसिबल हीट है क्योंकि टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन फेज में चेंजिंग नहीं आ रहा। बी और सी में क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, लेकिन फेज में चेंजिंग आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है। सेचुरेशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि वाटर में बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, वाटर में चेंजिंग, फेज में चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड केस में क्या है यहाँ पे, ये देखिएगा, थर्ड केस में जब हम सेचुरेशन टेम्परेचर से आगे का टेम्परेचर हम दिए, सेचुरेशन टेम्परेचर पे जब आ गया बॉडी, तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर है फुल्ली वेपर में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ वाटर प्लस वेपर है, इसको समझना पड़ेगा, वाटर प्लस वेपर। वाटर प्लस वेपर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेट स्टीम। बेट स्टीम का मतलब क्या हो गया, जहां पे वेपर में कुछ वाटर पार्टिकल्स हो उसे हम बेट स्टीम बोलते हैं। तो यहाँ पे बी और सी लाइन ये थर्ड पोर्शन को डिनोट कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर से हीटिंग देते हैं, ठीक है। जब फिर से हीटिंग देंगे तो यहाँ पे क्या देगा, अच्छा पहले ए क्या था, बी और सी क्या हो गया, बी और सी को हम क्या बोलेंगे बताइए, लेटेंट हीट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन फेज में चेंजिंग आ गया। फेज में चेंजिंग कहाँ आया, सेचुरेशन टेम्परेचर के बाद फेज में चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज में चेंजिंग, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो बी और सी के बीच का जो लाइन है इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद फिर से टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, लेकिन ध्यान रखना है थ्रू आउट प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या रहा है, जो वेपर में कुछ वाटर का पार्टिकल्स था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम आ जाएगा, ठीक है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। देन आफ्टर कुछ और हीट हम देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, स्टीम जो वेपर है पूरी तरह से हीटेड हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पे फिर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सी और डी के बीच में क्या हो रहा है बताइए, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फेज सेम है। फेज सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेपर तो यहाँ पे बन चुका था, तो फेज चेंज चेंज टेम्परेचर चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से सेंसिबल हीट। तो एक ग्राफ को ध्यान देना है, ए और बी के बीच में क्या हुआ, सेंसिबल हीट, बी और सी के बीच में लेटेंट हीट, और सी और डी के बीच में सेंसिबल हीट। क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन फेज में चेंजिंग नहीं है। बी और सी के बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन फेज चेंज हो रहा है। सी और डी के बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है लेकिन फेज सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था आपका जनरेशन ऑफ स्टीम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो ये डायग्राम को समझना है और वहाँ पे ग्राफ को भी समझना पड़ेगा आपको, किस तरह से हम वाटर को स्टीम में चेंजिंग करते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। थैंक यू।